Assalamualaikum everyone. Assalamualaikum. आज हम एक नई रेसिपी लेके आए हैं, वो रेसिपी है देसी रेसिपी जो कि आज शेयर करेंगी वाइफ, तो बताइएगा। आज के एपिसोड में हम बना रहे हैं चिकन धनिया अदरक की। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं, चिकन 1 kg, गरम मसाला 1 tablespoon, टर्मेरिक पाउडर 1/2 teaspoon, कोरिएंडर 1/4 teaspoon, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 teaspoon, गार्लिक पाउडर 1 चुटकी, ब्लैक पेपर 1 teaspoon और रेड चिली अप टू योर टेस्ट। हम लोग यूज़ करेंगे 1/2 teaspoon क्योंकि हम लोग यूज़ करेंगे साथ में स्पाइसी ग्रीन चिलीज, ओके, हरी मिर्ची चलेंगे। हाँ जी, तो ये ब्लैक पेपर आपने बोला चुटकी भर है, नहीं ये थोड़ा ये गार्लिक पेपर, गार्लिक पाउडर हाँ गार्लिक पाउडर हमने यूज़ करना है बिल्कुल थोड़ा सा, ये जस्ट एक फ्लेवर के लिए क्योंकि हम अदरक लहसुन यूज़ कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक फ्लेवर के लिए है। चिली रेड चिली बहुत सारे लोग होते हैं वो यूज़ नहीं करते, लेकिन हम अपनी रेसिपी में यूज़ करेंगे ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी कटिंग स्टार्ट करते हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। थैंक यू। पहले हम लेंगे कुकिंग ऑयल, ये हमने लेना है जो सालन का बड़ा चमचा होता है 2 चमचे, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं 2.5 चमचे ले रही हूँ। हमारा तेल थोड़ा सा गर्म होता है तो हम इसमें प्याज डालेंगे, ये हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसको हम कर देंगे कवर ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, इसमें मैं बताती चलूँ, हमने लिया है 2 medium size की अनियन, तली हुई प्याज की जो खुशबू होती है ना, माई गॉड इट्स अमेजिंग। ये हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है और अब ये थोड़ी थोड़ी ब्राउन होने लगी है। जब इसकी ये वाली सिचुएशन होगी तो इसमें हम डालेंगे टमाटर। टमाटर हम इसमें ज़्यादा डालेंगे और इसे हमने अच्छे से भूनना है। खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती, जबकि अभी तक हमने इस पर कोई भी मसाला नहीं डाला है आपके सामने। अभी इसमें थोड़ा सा, मेरे ख्याल 1-2 मिनट हम और देंगे, तेल थोड़ा सा ऊपर आएगा व्हेन जैसे आप कहते हैं ऑयल
आपके मसाले से जब सेपरेट होने लगेगा ना, उसके बाद हम कुछ चीज़ें डालेंगे और वो हम आपको अभी दिखाते हैं। बस एक दो मिनट आप और दीजिए और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे होना चाहिए। दो मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारे ये ऑयल अब मसाले से सेपरेट होने लगा है। इसे हमें अच्छे से भुनना है, जितना आप मैक्सिमम भुन सकते हैं। इसकी खुशबू इस समय से अच्छा। आप एक चीज़ ये नोटिस कर रहे होंगे कि इसके अंदर ऑयल बहुत कम है। इसकी वजह ये है कि हम हेल्दी फूड बना रहे हैं। ऑयल जितना कम हो उतना आपके लिए अच्छा है। या आपकी डाइट, अगर जो लोग डाइट कर रहे हैं या जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो वो ये आराम से खा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं आपको बताती चलूँ, किसी दिन हम आपको डिस्कस करेंगे कि वेट लॉस के लिए हेल्दी फूड किस तरह से है। और ज़रूरी नहीं है कि आप जब वेट लॉस के प्रोसेस में हो तो आपने अपना सब कुछ खाना पीना छोड़ देना है और आपने सिर्फ दलिये पे आ जाना है। ऐसा कुछ नहीं है, दलिया या सैलड से उस पे आ जाना है और आप कुछ नहीं खाएंगे, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मैंने खुद अपना वेट कम किया है, अबाउट 15 kg, बताना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ जी मैंने खुद अपना वेट कम किया है विदाउट एनी क्रश डाइट। बहुत सारे लोग मुझसे हो सकते हैं एग्री ना करें तो, लेकिन मेरा मानना ये है कि मतलब खाने के बगैर तो ज़िंदा रहा ही नहीं जा सकता। लेकिन ये कि आप एक बैलेंस में खाएं और फिर वो चीज़ हेल्दी भी हो तो क्या बात है। तो किसी दिन हम उस पर भी प्रोग्राम करेंगे कि आप सब डाइट बैलेंस डाइट के साथ आप क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से अपने रेगुलर खाने किस तरह से बना सकते हैं जो कि वो आपका वेट लॉस में हेल्प करें। अब हम डालेंगे इसमें चिकन। इसमें हमने डाला है चिकन 1 kg। इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 tablespoons। इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। अब हमने डालना है इसमें हल्दी 1/2 teaspoon। गरम मसाला, कोरिएंडर, ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर, रेड चिली। अब हम करेंगे इसे अच्छे से मिक्स। और राइट गाइस, मैं आपको बताती चलूँ, ताहिर मुझसे बार बार कह रहे हैं कि आप अपना राइट हैंड यूज़ करें, लेकिन आपने देखा होगा कि मैं लेफ्ट हैंड यूज़ कर रही हूँ। उसकी वजह ये है कि आई एम लेफ्टी। जी हाँ, आई एम लेफ्टी। तो मैं इतनी यूज टू नहीं हूँ कि मैं अपना राइट हैंड यूज़ करूँ। सो इट्स रियली अ टास्क फॉर मी। और ये नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है, सो आई कांट डू विद दैट। सो ये लेफ्ट से ही आपको गुजारा करना पड़ेगा। ओके, ये हमारी मसाला हमने थोड़ा सा भून लिया है और अब हम इसे कवर कर देंगे। ऑलराइट गाइस, मैं इतनी जल्दी जल्दी में बना रही थी कि मैं भूल गई कि नमक तो हमने डाला ही नहीं। तो ये रहा नमक और हम इसमें डाल रहे हैं नमक। शान का पिंक सॉल्ट आप यूज़ कीजिए और ये मैं राइट हैंड से डाल सकती हूँ। ओह माय गॉड, इसका टेस्ट ओह ज़बरदस्त। हम करेंगे इसे मिक्स मिक्स मिक्स।
और अब हम इसे ढक के छोड़ देंगे जब तक चिकन अच्छे से गल ना जाए। ओके गाइस, अब हम चेक करेंगे ये चिकन ने अपना खुद का पानी छोड़ा है। ये आप देखें, इसमें हमने कुछ भी एडिशन नहीं किया और हमारा मसाला अच्छा खासा अच्छी खासी हद तक भुन रहा है, ऑलमोस्ट करीब करीब रेडी है। और अब हम इसमें डालेंगे अदरक। क्योंकि ये चिकन धनिया अदरक की है तो इसमें अदरक बहुत सारी जाएगी, लेकिन हम थोड़ी सी आखिर के लिए बचा के रखेंगे। इसमें हमने डालना है लाइम, क्योंकि हमारा बड़ा लीमू है तो इसमें हम डालेंगे हाफ। अगर आपका लेमन छोटे वाले जो लेमन होते हैं वो आपके पास है तो आप एक लेमन आराम से डाल सकते हैं लेमन जूस। ये हमने डाला है इसमें अच्छा खासा लेमन जूस। और क्योंकि इस डिश का नाम है धनिया अदरक की तो ऑब्वियसली धनिया भी इसमें बहुत सारा जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा धनिया आखिर के लिए बचा के रखेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और इसकी खुशबू मैं आपको बता नहीं सकती, अमेजिंग। हम इसमें डालेंगे चिलीज, ये हसबे जायका है। हमने 3 से 4 हरी मिर्ची ली है जो कि तेज़ वाली है, या आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको बहुत तेज़ मिर्ची चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर आपको कम चाहिए तो आप कम डाल सकते हैं। ये हमने थोड़ी सी देर और भुनना है और उसके बाद हमारी चिकन धनिया अदरक तैयार हो जाएगी। आई एम सो एक्साइटेड। ओके लेट्स ट्राई। ओ माय गॉड, क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। ये देखिए हमारा सालन बिल्कुल तैयार है, जिसका नाम है चिकन धनिया अदरक जी। ये बिल्कुल रेडी है और अब हम चूल्हा बंद कर लेते हैं और इसे हम डिश आउट करेंगे। हमारी चिकन धनिया अदरक की तैयार है, बिल्कुल तैयार है जी। और अब हमारा टाइम है टेस्टिंग का। टेस्टिंग का है, और लेकिन हमने क्या कर रहे हैं कि इसको रोटी के साथ खाना चाहिए ना। हाँ, लेकिन अभी वो हम ऐसे ट्राई कर लेते हैं, नान ऑर्डर करेंगे, लेकिन तब तक हम आपको चला दीजिए मसाले के साथ। आपको खिलाती हूँ सुना जी, मैं खाने लगा हूँ तो आप देखिएगा मेरे एक्सप्रेशन प्लीज। अरे भाई वो भाई वाह, अदरक है ना, अदरक अदरक है, बिल्कुल अदरक का टेस्ट है, गरम वाला भी आपको साफ हो जाएगा और चिकन का मज़ा भी चिकन है, ऑफकोर्स बहुत मज़े का है। और बहुत आसान रेसिपी थी, आई थिंक मुझे भी समझ आ गई, बहुत ही आसान रेसिपी है ये, बहुत हेल्दी है। सारी रेसिपी के से ये जो है ना बहुत आसान है। हाँ, ये बहुत ही आसान है, झटपट है और बहुत हेल्दी है, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही कम ऑयल यूज़ किया है। नॉर्मली आप देखते हैं तो उसके अंदर एक लेयर होती है ऑयल की, और इसके अंदर आपको ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमने बहुत मज़े की है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि बहुत ही मज़े की, बहुत ही हेल्दी, और जो लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, जो वेट लॉस के प्रोसेस में
मुझे देख लें आप, जैसे मैं स्लिम हूँ, स्मार्ट हूँ, इसका राज ये है कि मैं ऑयल कम खाता हूँ, और माशाल्लाह हम दोनों जो है ना बिल्कुल ऐसे ही जो है इतना ऑयल यूज़ किया था इन्होंने पूरी चिकन में। बल्कि आप लोगों को दिखाने के लिए हमने ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया था, वरना हम इससे भी कम यूज़ करते हैं। और जो वो ऑयल की जो एक परत होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं होती। और ये सबसे अच्छी बात ये कि जो लोग फिटनेस में है, जो डाइट कॉन्शियस है, या जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं किसी भी रीज़न से, ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल क्रश डाइट पर चली जाएँ, आप अपना हेल्दी फूड खा सकते हैं इस तरह का, जो कि स्पाइसी भी है, डिलीशियस भी है, और देसी भी है, और सबसे ज़्यादा माउथ वाटरिंग है, ये आपकी सारी क्रेविंग सेटिस्फाई करेगा। खाइए और इंजॉय कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट कीजिए, हमें मैसेजेस कीजिए आप और क्या रेसिपीज देखना चाहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में नहीं लेकिन इंशाल्लाह मैं आपसे जो है डिस्कस करूँगी किसी और वीडियो में, आज तो नहीं क्योंकि आज हमने सिर्फ रेसिपी बनाई है, लेकिन मैं आपको वेट लॉस की टिप्स हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, क्योंकि ये मैं आपके साथ पर्सनली इसलिए शेयर कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का जर्नी रहा है। मैंने आई थिंक इन 4 to 6 months मैंने अप टू 15 kg वेट लूज़ किया है हेल्दी फूड से विदाउट गोइंग इनटू क्रश डाइट। वो मैं भी बताऊंगा ये क्या खाती पीती हैं, ठीक है, ताकि आपको तो वो हमारी जो सीक्रेट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें आपको क्रश डाइट पे जाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। और जो मैं आप यही सब खाना खा सकते हैं जो आप अपने नॉर्मल रूटीन में खाते हैं। और हमारा छोटा बेबी घर पर आने लगा है, ये जो आवाज़ आ रही है, तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में हमेशा याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाय 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 बाय।